अगर हमें क्लोरोप्लास्ट बनाने का ट्रेड सीक्रेट पता चल जाए तो लीजिए कि हमारी तकदीर ही बदल जाएगी। ये क्लोरोप्लास्ट सूर्य की रोशनी इस्तेमाल करके पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स में तोड़ देता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर बनाता है और वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन छोड़ता है। ये सब कैसे होता है ये जानने के लिए हमें और गहरे जाना पड़ेगा और खुद को और छोटा करना पड़ेगा। हम एटॉमिक स्केल की बात कर रहे हैं। ये असेंबली लाइन मॉलिक्यूलर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का सबसे अहम हिस्सा है। मॉलिक्यूलर लेवल पर सब इतनी तेजी से होता है कि हम उसे देख नहीं सकते, इसलिए हमें इस प्रक्रिया को एक करना पड़ेगा। ये बड़े वाले मॉलिक्यूल्स असल में कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। इनमें से हर मॉलिक्यूल एक कार्बन और दो ऑक्सीजन एटम्स से बना है। जब सूर्य की फिल के हरे मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो इससे केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स के टूटने से एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। और ये तो सिर्फ दिन की शिफ्ट है जब रोशनी से एनर्जी की सप्लाई होती है। एक शिफ्ट और है जिसमें दिन रात काम होता है और यहाँ बचा कर रखी सौर ऊर्जा इस्तेमाल होती है। इसमें आजाद हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी काम में लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी से लिए गए हाइड्रोजन में मिलाया जाता है। इससे आखिर में शुगर बनती है जो सौर ऊर्जा को जमा करके रखती है। क्लोरोप्लास्ट पिछले 3 अरब सालों से सौर ऊर्जा को काम कर रहे हैं। इस बेहद छोटी सोलर बैटरी की वजह से ही सारे खेत, जंगल, समुद्रों में मौजूद प्लांकटन और इंसानों समेत तमाम जानवर जिंदा हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये जीव जगत इंसान की बनाई बिजली से 6 गुना ज्यादा एनर्जी तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस कैसे काम करती है इसकी केमिकल प्रोसेस तो हमने देख ली।